तो आज का ट्यूटोरियल एकदम जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक नया फिल्टर कराने वाला हूं। नया, समझ रहे हैं, नया फिल्टर जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है। पता है क्या नाम है? न्यूरल फिल्टर, समझ रहे हैं। न्यूरल फिल्टर एकदम नया फिल्टर है, 2023 फोटोशॉप में आया है। और इसे ऐसे समझ लीजिए, ये स्मॉल एआई है। स्मॉल एआई मतलब एआई की तरह काम कर रहा है। अगर आपके फेस पर स्माइल दिलानी है, स्माइल, तो आपकी फेस पे स्माइल ले आएगा, मतलब दांत भी बना देगा ऑटोमेटिक, समझ रहे हैं। कलर करना है, स्क्रैच रिमूव करना है, ठीक है, और अगर कलर ट्रांसफ़र करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो बिल्कुल एआई की तरह काम करती हैं। जो काम बहुत मुश्किल से करते थे ना पहले, बहुत मुश्किल से, वो बड़े आसानी से यहाँ पर हम कर सकते हैं, बड़े आसानी से, एकदम चुटकियों में। मैं सही बता रहा हूँ, घंटों का काम चुटकियों में एकदम। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है, चलिए करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो गाइस देखिए, मैंने फोटोशॉप खोल के रखी है और देखिए फोटोशॉप में ये फोटो खोल के रखा है। और चलिए मैं अब न्यूरल फिल्टर को ओपन करता हूँ। न्यूरल फिल्टर ओपन करने के बाद इस फोटो पर मैं बहुत सारे इफेक्ट अप्लाई करूंगा। तो चलिए हम चलते हैं फिल्टर में, और फिल्टर में जाने के बाद देखो ये है न्यूरल फिल्टर। न्यूरल फिल्टर को हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये खुल गया न्यूरल फिल्टर। अब देखिए इस न्यूरल फिल्टर की विंडो में सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर है देखो 100%। अगर आप 100% जूम लेवल करते हैं, देखो जैसे 100% जूम लेवल करते हैं तो इमेज उतनी जूम हो जाएगी जितनी वो ओरिजिनल है, उतनी जूम हो जाएगी। और अब हम करते हैं फिट स्क्रीन। जैसे हम फिट स्क्रीन करेंगे तो देखो फिट स्क्रीन से क्या होगा, जितनी बड़ी इमेज होगी वो इस एरिया में आ जाएगी। लेकिन अगर आप करते हैं फिल स्क्रीन तो फिल स्क्रीन से क्या होगा, देखो फिट स्क्रीन और फिल स्क्रीन में ये फ़र्क है। फिट स्क्रीन में लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम से पूरी की पूरी इमेज इसमें आएगी, लेकिन फिल स्क्रीन से कोई भी एरिया ब्लैंक नहीं रहेगा। देखो फिल स्क्रीन करें तो पूरी इमेज हो गई, यानी ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट में ब्लैंक एरिया नहीं रहा। बात समझ गए, एक तो रही ये बात। और देखो इधर है ये हैंड टूल। हैंड टूल से क्या होता है, देखो यहाँ पर आप इसे पैनिंग कर सकते हैं, हैंड टूल से इसे मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा देखो यहाँ पर है जूम टूल, जूम टूल से जूम कर सकते हैं, देखो ऐसे ये जूम कर सकते हैं ऐसे, और जूम आउट भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से माइनस करके ऐसे जूम आउट कर सकते हैं। और बाकी का देखो फिल स्क्रीन तो आपको पता ही है, ये फिल स्क्रीन हमारा फिट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये सिलेक्शन बनाने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, देखो सिलेक्शन ऐड सिलेक्शन करें। सिलेक्शन ऐड करने के बाद देखो यहाँ पर मास्क करना, इन्वर्ट करना, क्लियर करना, सेलेक्ट सब्जेक्ट करना, सेलेक्ट स्काई करना, रीसेट करना, ये सेलेक्ट करने के तरीके हैं। इसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं पूरी उससे, और अगर माइनस सेलेक्शन करना हो तो इससे आप माइनस सेलेक्शन कर सकते हैं। तो देखो अभी हम सेलेक्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेलेक्ट करने के तरीके तो हम बहुत सीख के आ चुके हैं कि सेलेक्ट करना किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर जो नई चीज़ें हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी नई चीजें हैं, बहुत एडवांस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। देखो वो कैसे, अब मैं करके दिखाता हूं। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं, इसको कंट्रोल प्लस दबाकर भी जूम कर सकते हैं। देखो ऐसे कंट्रोल प्लस दबाकर, देखो इतना मैंने जूम किया, और देखो यहां रख रहा। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है देखो यहां पर स्किन स्मूथिंग। देखो अगर स्किन स्मूथिंग की बात करें तो यहां से अगर स्किन स्मूथिंग को ऑन करते हैं तो देखो क्या होता है, देखो यहां पर अब देखेंगे, देखो रिजल्ट देखिए, देखो इसमें तो स्मूथ हो गई। देखो अभी मैं और जूम कर रहा हूँ तो देखो आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पर स्किन देखो स्मूथ हो गई। अगर मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो देखो ये देखिए, देखो इसके धब्बे धब्बे थे ना इसमें, देखो ब्लैक ब्लैक कलर की है। जैसे ही मैं स्मूथ करता हूँ तो देखो ये स्मूथ हो जाती है, देखो। तो देखो इससे कितनी स्मूथ हो गई स्किन। चलिए मैं स्किन स्मूथ को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, और देखो फिर से हम इसको जूम करते हैं, और जूम करके तो फिल स्क्रीन कर लेते हैं, और देखो यहाँ रखते हैं। अब देखो सबसे मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो स्मार्ट पोर्ट्रेट। देखो ये एआई की तरह काम करता है स्मार्ट पोर्ट्रेट। जैसे हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद देखो यहाँ पर देखो आप ये क्या, देखो बी हैप्पी, देख रहे हैं आप बी हैप्पी। अगर आपके ही फेस पर स्माइलिंग नहीं है, मतलब हैप्पी नहीं है आप, तो आप इसको फेस को हैप्पी भी कर सकते हैं, और देखो बड़े आसानी से। देखो यहाँ पर बी हैप्पी में आप 10% हैप्पी करें, 10%, जैसे ही 10% हैप्पी करेंगे तो देखो ये 10% हैप्पी हो जाएगा। देखो आप ये हैप्पी हो गए 10%, लेकिन अभी स्माइलिंग आई थोड़ी सी फेस पे स्माइलिंग। अगर आप दांत भी दिखाना चाहते हैं, दांत जो कि दांत मतलब इसमें है नहीं, लेकिन ये एआई से जनरेट कर देगा, एआई से। तो देखो हम दांत कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर करता हूँ देखो 30 या 35 जो भी करूँगा, और देखो उसके बाद अगर देखेंगे 30% स्माइल आ जाए इस फेस पर, तो देखो अभी क्या होगा, ये देखो देखो दांत भी दिखाई देने लगे, देख रहे आप। तो देखो दांत रियल में तो थे नहीं, लेकिन यहाँ पर इसने दांत भी बना दिए एआई से, ठीक है, ये कितना अच्छा लग रहा है। अब ये मैं अभी बंद कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर फेशियल एज, एज की बात करते हैं, देखो एज अगर आप यहाँ पर कर दें 20+ कर दें, 20+ 20+ एज करें तो देखो 20+ एज, तो देखो उस हिसाब से जो फोटो था 20+ यहाँ पर एज हो गई। अगर आप एज को कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पर कम कर दें, देखो 30% कम, 30 साल नहीं, यानी कि 30% कम हो जाए,
ठीक है, देखो कम हो गई। अगर आप ज्यादा कर दें इधर, देखो बिल्कुल आप 50 प्लस कर दें, प्लस 50, ये देखिए, बात समझे। तो ये एक आइडिया लगाता है कि कैसा हो जाएगा फेस एक आने वाले टाइम में। तो देखो ये किस तरह का हो गया। अब देखो इसमें हेयर थिकनेस भी है, हेयर थिकनेस आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपने कम कर दी हेयर थिकनेस, देखो हेयर कम हो गए। अगर हेयर थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ से 50% आपने बढ़ा दिया, बढ़ गए, है ना। अगर आप इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर जाएं जीरो पे, तो देखो जीरो ये थे, बात समझ गए। देखो आई डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, देखो इसमें आई डायरेक्शन का भी है। देखो अगर आप इधर करना चाहें तो देखो लेफ्ट साइड में देखेगा ये, देखिए लेफ्ट साइड में हुई आई। अगर आप राइट साइड में करना चाहें देखो राइट साइड में आई देखेंगी, देखो ये देखिए, है ना, मज़ेदार। और सेंटर में करेंगे तो वो सेंटर में है ही जीरो, तो जीरो सेंटर में आ गया, ठीक है। बाकी के ये देखो और भी चीज़ें हैं इसमें, देखो एक्सप्रेशन है इसमें है सरप्राइज करना, एंगर फेस बनाना, सरप्राइज फेस बनाना, या फिर ग्लोबली आप पूरा हेड को डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, जो मैंने बताया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बी हैप्पी और फेसियल एज, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये समझ में आया आपके, मैं यहाँ पर रीसेट कर रहा हूँ, देखो इसको रीसेट कर दिया। रीसेट करने के बाद देखो यहाँ से इसको बंद कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं देखो ये मेकअप ट्रांसफर पे। तो देखो मेकअप ट्रांसफर में क्या है कि किसी दूसरी इमेज का, मतलब जो और इमेज हो कोई, उसका मेकअप आप ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेकअप ट्रांसफर ऑन करता हूँ, और देखो यहाँ से सेलेक्ट इमेज है, सेलेक्ट इमेज, यहाँ से हम इमेज ले लेते हैं। इमेज लेने के बाद देखो इमेज फोल्डर के अंदर मैंने मेकअप की फाइल रखी है, देखो एक यहाँ से मैं यहाँ पर जेपीजी कर लेता हूँ। जेपीजी करने के बाद देखो ये, देखो यहाँ पर, और देखो इसका जो मेकअप था, देखो इसका मेकअप इसके ऊपर अप्लाई हो गया, देखो मेकअप अप्लाई हो गया पूरा। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल ला सकते हैं, ये मैंने एक डाउनलोड करके फाइल रखी थी, और देखो यहाँ पर जैसे मैं लाया तो देखो यहाँ पर इसके देखो लिप्स पे और आइज पे देखो आप मेकअप देखो अप्लाई हो गया, बात समझ गए। देखो मैं इसको बंद कर रहा हूँ इस तरह से, तो मेकअप समझ में आया। अब देखो यहाँ नीचे चलते हैं, और जाने के बाद देखो यहाँ पर है बैकड्रॉप क्रिएशन। तो देखो बैकड्रॉप क्रिएशन क्या होता है कि पूरी इमेज के ऊपर, मतलब फुल बैकग्राउंड को बनाना। तो अभी मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, और कैंसिल करके अब हम जो है एक नई फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल। और न्यू फाइल लेने के बाद में देखो यहाँ से कोई भी मैं डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज ले लेता हूँ, देखो ये मैंने ले लिया साइज़। और फिर से मैं यहाँ पर चलता हूँ फिल्टर में और न्यूरल फिल्टर। तो देखो यहाँ पर ब्लैंक फाइल आ गई, वो हमने बैकड्रॉप क्रिएटर की वजह से लेके आए हैं। अब लेने के बाद में यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हैं, उस हिसाब से ये इमेज बना देगा, क्रिएट कर देगा। लेकिन आप पॉपुलर प्रॉम्प्ट्स पे भी जा सकते हैं, पॉपुलर प्रॉम्प्ट्स से जाएंगे तो एडोब की तरफ से ये बहुत सारे बने बनाए प्रॉम्प्ट्स हैं। और देखो जैसे ट्रॉपिकल ग्रीन लीव्स पैटर्न है, देखो ये है ना, ऐसी देखो बहुत सारे यहाँ पर सब हैं, देखो आप कोई भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, साइबर पंक नियोन इलेक्ट्रॉनिक स्टाइल मैंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद देखो यहाँ से इसे क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखे साइबर पंक नियोन इलेक्ट्रॉनिक स्टाइल। तो देखो ये प्रॉम्प्ट के हिसाब से यहाँ पर देखो इसने तीन इमेजेस यहाँ पर देखो बना दी। अब आप जिसको भी चाहते हैं उसको आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखो जैसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर यहाँ पर देखो क्रिएट हो जाएगी, देखो बैकड्रॉप क्रिएट हो गई, देखो है ना। और इसको आप ओके करें, ओके करेंगे तो देखो वहाँ पर आपकी फाइल में देखो बन के यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये है ना। इस तरह से आप क्रिएट भी कर सकते हैं बैकड्रॉप क्रिएट, ठीक है जी। ओके, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद देखो हम यहाँ पर इसे नो करते हैं। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं, फिर से फिल्टर में चलते हैं, और फिल्टर में चलने के बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। अब देखो अगला ऑप्शन है लैंडस्केप मिक्सर। अब देखो लैंडस्केप मिक्सर में क्या होगा, देखो यहाँ पर आपको कोई इस तरह की फ़ोटो खोल के रखनी होगी जिस पर जो है लैंडस्केप पे आप चेंज करना चाहते हैं कुछ। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, और दूसरी यहाँ पर जो है ना इसको भी अभी मैं यहाँ पर क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद देखो अब की बार मैं ये वाली फाइल खोल लेता हूँ। देखो ये मैंने अलग अलग फ़ोटो रखे हुए हैं, सारे अलग अलग फ़ोटो मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि मैं आपको जितने भी उसमें ऑप्शन है सबको समझा सकूँ, उसके लिए मैंने अलग अलग इमेजेस रखी हुई हैं। तो देखो इन इमेजेस का तो काम हो गया, अब चलते हैं इस वाली इमेज पे। तो देखो यहाँ पर इस इमेज को मैंने खोल लिया, और खोलने के बाद देखो यहाँ से मैंने करा फिट टू स्क्रीन, और वापस इस यहाँ पर नहीं करना था मुझे, न्यूरल फिल्टर में चलना है। तो ये देखो लैंडस्केप मिक्सर, लैंडस्केप मिक्सर को हम यहाँ पर देखो अब ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखो अभी मैं इसे फिट स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, ऑन करते ही देखो यहाँ पर हमने जिसको भी अप्लाई करना है उस पर हम क्लिक करेंगे। देखो जैसे मान लीजिए मुझे रेड कलर इसके ऊपर देखो इस तरह का अप्लाई करना है, कलर ये अप्लाई करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये प्रोसेसिंग होगा। ये देखो यहाँ पर रेड कलर आ गया। देखो पहले क्या था, देखो इस तरह का था, और देखो बाद में देखो ये हो गया, ठीक है। आप ऐसे ही देखो यहाँ पर, देखो यहाँ आप देखिए, ये देखो इस पर आप क्लिक करें, मैंने ये अप्लाई किया है। अब देखो ये पूरा जैसे होता है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ पड़ी हुई है, देखो यहाँ पर
है ना। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, लैंडस्केप मिक्सर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, अगला हम अभी देखेंगे। देखो ये है, देखो स्टाइल ट्रांसफर है ना, स्टाइल ट्रांसफर। अब हम स्टाइल ट्रांसफर के लिए दूसरी इमेज ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर रहा हूँ, कैंसिल। और कैंसिल करने के बाद इसको भी हम यहाँ से क्लोज कर रहे हैं, देखो इसको भी यहाँ से। और कैंसिल करने के बाद हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद देखो ये लेडी यहाँ पर है, देखो मैं इसको ले लेता हूँ। और लेने के बाद देखो यहाँ पर फिट टू स्क्रीन किया मैंने, और फिर से मैं यहाँ से न्यूरल फिल्टर में चलता हूँ। देखिए न्यू फिल्टर ओपन हो गया। अब देखो यहाँ पर है स्टाइल ट्रांसफर, जैसे ही आप स्टाइल ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टाइल हैं। देखो यहाँ पर ये अलग अलग तरह के स्टाइल हैं, जिस तरह के स्टाइल पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस तरह के स्टाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो जैसे इस पर क्लिक किया, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखो ये स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो गया, बिल्कुल जैसे ये था ना यहाँ पर कलर था उसी तरह का यहाँ पर आर्टिस्टिक स्टाइल हो गया। अब इमेज स्टाइल भी कर सकते हैं, अलग अलग तरह के इमेज स्टाइल, कोई सी इमेज आप जो चाहते हैं, जैसे ये चाहते हैं आप, तो देखो इस तरह के इमेज स्टाइल आप ले सकते हैं। ये देखिए ये इमेज स्टाइल हो गया, तो जैसा आप यहाँ से स्टाइल लेंगे उसी तरह का देखो यहाँ पर ये पोर्ट्रेट बन जाएगा, स्टाइल हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया। अब देखो इसको हम बंद कर रहे हैं स्टाइल ट्रांसफर को। अब देखो दूसरा है हार्मोनाइजेशन। ठीक है, हार्मोनाइजेशन में क्या है, यहाँ पर आपको दो चीज़ें बनानी पड़ेंगी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या, कि एक तो आपको बैकग्राउंड रखनी पड़ेगी और एक उसके ऊपर इमेज रखनी पड़ेगी। तो इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद हम सबसे पहले चलते हैं एक बैकग्राउंड लेके आते हैं, बैकग्राउंड ओपन करते हैं यहाँ से। और देखो ओपन करने के बाद हम लेते हैं बैकग्राउंड, ये वाली हमने बैकग्राउंड ले ली। ठीक है, और बैकग्राउंड लेने के बाद अब हम एक दूसरी फाइल खोलते हैं। दूसरी फाइल खोलने के बाद देखो मैंने एक फाइल यहाँ पर गर्ल विद कैट, ये वाली एक फाइल है, इसको मैंने यहाँ पर ये पहले ही PSD फाइल बना के रखा है, इसमें सिलेक्शन सेव करके रखा है। और देखो मैं सेलेक्ट में जाकर यहाँ पर लोड सिलेक्शन कर लेता हूँ, लोड सिलेक्शन। देखो ये सिलेक्शन जी नाम से है, तो देखो ये सिलेक्शन हो गया। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C, Ctrl+C करने के बबाद यहाँ चलते हैं और इसमें पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+V, पेस्ट कर लिया। और देखो ये लड़की जो है यहाँ पर Ctrl+T दबाकर मैंने इसको और बड़ा किया, देखो ऐसे। अब देखिए आप ये फोटो एक अलग हो गया और ये फोटो नीचे अलग है, तो ये गर्ल विद कैट को मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, देखो समझ गए। अब ये ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, अलग फोटो। अब क्या होगा, देखो इसके कलर और इसके कलर में थोड़ा सा मुझे थोड़ा डिफरेंस लग रहा है कि ये पीछे इतना लाइट है तो इसके फेस इतना लाइट क्यों आ रहा है। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर में चलते हैं, फिल्टर में जाने के बाद फिर से हम न्यूरल फिल्टर खोलते हैं। अब देखो ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, देखो देख रहे हैं, ये फिट टू स्क्रीन भी कर सकते हैं। अब देखो ये हार्मोनाइजेशन नीचे है, हमने इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद में मैं थोड़ा से बड़ा कर रहा हूँ, फिल स्क्रीन कर रहा हूँ, देखो ऐसे। अब देखो अभी आपको पता चल जाएगा कि कितना कलर डिफरेंस हुआ। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट लेयर करना है। लेयर कौन सी, देखो बैकग्राउंड लेयर, बैकग्राउंड के हिसाब से हमें इसके ऊपर कलर आना चाहिए। जैसे हम क्लिक करेंगे बैकग्राउंड के हिसाब से कलर आए, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो इसके कलर देखो बैकग्राउंड के हिसाब से होगा। देखो बिल्कुल जैसे बैकग्राउंड के कलर हैं, जितना बैकग्राउंड में तेज कलर है उसी तरह से देखो यहाँ पर फिट टू स्क्रीन कर, देखो समझ गए। अब देखो आप हार्मोनाइजेशन को ऑफ करो, तो देखो ऐसे ऑन करो। ठीक है, मैं यहाँ पर न्यू लेयर ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर है आउटपुट कैसे चाहिए, आउटपुट न्यू लेयर, करंट लेयर या स्मार्ट फिल्टर। मैं न्यू लेयर पर ले लेता हूँ और न्यू लेयर पर आउटपुट लेने के बाद ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये एक नई लेयर बनी है। देखो मैं आपसे Ctrl+0 दबा कर, देखो ये पहले था, देखो ये बात नहीं हुआ। तो कलर इसने क्या करा, बैकग्राउंड के हिसाब से इसका कलर कर दिया। तो ये था हार्मोनाइजेशन। और अगला है कलर ट्रांसफर। तो देखिए कलर ट्रांसफर कैसे काम करता है, उसके लिए भी मैंने देखो यहाँ पर इमेज रखी हुई है कलर ट्रांसफर के लिए। देखो मैंने यहाँ पर ये फ्लावर रखा हुआ है, देखो फूल, और देखो फ्लावर रखने के बाद में देखो ये फ्लावर का देख रहे हैं कलर। अब हम चलते हैं फिल्टर में, फिल्टर में जाने के बाद न्यूरल फिल्टर ऑन करते हैं, और करने के बाद में देखो यहाँ पर कलर ट्रांसफर की बात करते हैं। कलर ट्रांसफर, जैसे कलर ट्रांसफर ऑन करते हैं, अब देखो यहाँ पर ये आपको अलग अलग कलर मिल जाएंगे। देखो ठीक है, अगर आपको इसमें कलर चेंज करना है ये वाला, देखो ये, तो देखो देखो ये कलर हो गया। येलो करना चाहते हैं फ्लावर्स को, येलो पे क्लिक कर दीजिए, येलो कलर हो जाएगा। देखो अपनी मर्जी से अगर आप बाहर से लाना चाहते हैं तो बाहर से कस्टम में जाइए और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए इमेज। तो देखो यहाँ पर मैंने जो है एक यहाँ पर फ्लावर रखा, देखो ये वाला, ये फ्लावर, तो देखो ये वाला फ्लावर आएगा। तो ये समझिए कलर ट्रांसफर। अब अगला है कलराइज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं कितनी चीज़ें करने वाला हूँ, कलराइज, और देखो सुपर जूम, और देखो डेप्थ ब्लर, JPEG आर्ट इफेक्ट्स रिमूवल या फोटो रिस्टोरेशन। अब इसमें से मैं सबसे पहले आपको डेप्थ ब्लर दिखाता हूँ, डेप्थ ब्लर का। तो मैं अभी इस पर कैंसिल कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने एक अलग इमेज रखी हुई है। देखो मैं अलग इमेज यहाँ से ले लेता हूँ और डेप्थ ब्लर में जाते हैं। देखो ये वाली इमेज ले लेते हैं ये, और देखो ये मैंने इमेज ले ली। अब इस इमेज के लिए मैं डेप्थ ब्लर चाहता हूँ। देखो ये ना पीछे के फूल भी साफ दिखाई दे रहे हैं, स्काई भी। अब हम इसमें डेप्थ ब्लर कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पर
डेप्थ ब्लर जो होता है ना, नॉर्मली कैमरे से हम इसको यूज़ करते हैं, कैमरे के लेंस से ये ब्लर हो जाता है, बैकग्राउंड की चीज़ें ब्लर हो जाती हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर फोकस हो जाता है। तो अब यहाँ पर डेप्थ ब्लर हम यूज़ कर सकते हैं। देखो हमने इस पर डेप्थ ब्लर पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे देखो देखेंगे तो देखो ब्लर अप्लाई इसमें हो जाएगा। देखो ये देखिए आप देख रहे हैं, आप ये देखो पीछे का ब्लर हो गया। देखो ये अब और ज़्यादा अगर आपको ब्लर करना है तो यहाँ से आप ब्लर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। देखो मैं ब्लर स्ट्रेंथ पूरा कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर और ज़्यादा ब्लर स्ट्रेंथ हो जाएगी। ये देखो ब्लर की स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ गई। अब मैं इसको न्यू लेयर पे ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कितना फ़र्क हुआ। देखो कंट्रोल जीरो दबाता हूँ। देखो यहाँ पर अब देखो पहले क्या था, देखो पहले ये था, अब देखो ये हो गया। पीछे का जो बैकग्राउंड था देखो ब्लर हो गया, देख रहे हैं आप। देखो पहले ये था, देखो ये हो गया। तो ये ब्लर डेप्थ भी आप आराम से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक फ़ोटो खोल लेते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि देखो ये पुराना फोटो, ओल्ड फोटो, इसको हम खोलते हैं। इस ओल्ड फोटो को हमने खोल लिया, देखो ये पुराना फोटो है। अब देखो ये 100% जूम पर इतना है, ठीक है, थोड़ा छोटा है। मैं इसको अभी तो यहाँ पर तो इतना जूम करके देखता हूँ, पिक्सल भी फट रहे हैं। और देखो यहाँ पर ये जूम लेवल हो गया 238%, ठीक है। अब हम चलते हैं फिल्टर में, फिर से फिल्टर में जाने के बाद न्यूरल फिल्टर ओपन करते हैं। अब देखो न्यूरल फिल्टर ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसे फोटो स्क्रीन कर रहा हूँ। देखो दो फेस यहाँ पर डिटेक्ट कर लिए इसने, देखो दो फेस यहाँ पर डिटेक्ट हो गए। देखो अगर आप यहाँ पर जाएं तो देखो ये दो फेस, अगर आप इसको ऑन करें स्मूथ को, देखो दो फेस यहाँ पर है। कौन से फेस के ऊपर आप ब्लर अप्लाई करना चाहते हैं? लेकिन मुझे ये ब्लर स्मूथ अप्लाई नहीं करना, अब इसको रहने देता हूँ, मुझे कुछ और करना है, ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ, तो नीचे जाने के बाद देखो ये है फोटो रेस्टोरेशन। फोटो रेस्टोरेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखो ये फोटो को रेस्टोरेशन करेगा। देखिए देखिए ये फोटो रेस्टोरेट हो गया। थोड़ा जूम करके देखें आप, और इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ। देखो अभी आपको पता चल जाएगा, देखो ऐसे ये देखिए कितना बढ़िया हो गया। पहले देखो ये ऐसे था, ठीक है, अब देखो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। फोटो रेस्टोरेशन और ज़्यादा अगर आप करना चाहते तो और ज़्यादा यहाँ पर फोटो एनहेंसमेंट कर सकते हैं और एनहेंस फेस कर सकते हैं, स्क्रैच। अब देखो ये जो पीछे स्क्रैचेज हैं ये मुझे कम करनी है स्क्रैचेज, तो देखो यहाँ से मैं स्क्रैच रिडक्शन कर देता हूँ। अब देखो स्क्रैच किस तरह से जाएंगे, देखो ये स्क्रैच आप देख रहे होंगे, ये वाली देखो किस तरह से गायब होने वाली है। देखो ये देखिए ये स्क्रैच गायब हो गई। देखो ये पुराना फोटो था जिसमें स्क्रैच भी थी, ये ब्लैक एंड वाइट है, और देखो इसको हमने अब ये ब्लैक एंड वाइट फोटो की स्क्रैच भी खत्म हो गई, ये एनहेंस भी फोटो हो गया। अब इसको कलर करना है, तो कलर करने के लिए भी बड़ा आसान है। देखो यहाँ पर है कलराइज, देख रहे हैं आप, कलराइज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कलर करेगा। देखो ऑटोमेटिक इसके ऊपर कलर कर देगा। अब कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, थोड़े से कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेचुरेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सेचुरेशन मैंने कर दिया -10, हाँ ये ठीक है। देखो इतना ये हमने इसको कलराइज भी कर दिया। अब कलराइज करने के बाद में देखो यहाँ पर ये है JPEG आर्ट इफेक्ट्स। इसमें क्या होगा कि देखो कुछ अगर थोड़ा सा और ज़्यादा आपको JPEG के इफेक्ट जो ब्लरी करने हैं वो भी आप कर सकते हैं। देखो देखो यहाँ से अगर आप जाएंगे, देखो ये और ज़्यादा इसने साफ कर दिया और ब्लरी कर दिया। तो ये आपने किया, बाकी का एक सुपर जूम और बसता है, मैं अभी इसको बाद में बताता हूँ। पहले इसको ओके कर रहा हूँ, देखो नई लेयर पे ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर कंट्रोल जीरो दबा रहा हूँ, देखो दोनों में फर्क देखें। देखो पहले ये था, अब देखो ये हो गया, देख रहे हैं आप फोटो कितना, मतलब इसने अपने आप को कितना अच्छे तरीके से इसने बना दिया, स्क्रैच भी ख़त्म कर दिया और जो फोटो था उसको भी एनहेंस कर दिया, कलर भी कर दिया, सारा काम कर दिया। ये काम पहले बड़े मुश्किल से होता था, बहुत देर का काम होता था। ये जो फोटोग्राफर थे वो कलर, अगर पुराने ब्लैक एंड वाइट फोटो को कलर करते थे तो बड़ा मुश्किल से करते थे, देर लगती थी। अब देखो कितना आसान हो गया है, मतलब ऐसे समझो इसे AI काम कर रहा है, AI ही काम कर रहा है। मैंने बताया ना कि स्मॉल AI है ये, ठीक है। अब आप ये देखिए थोड़ा जूम करते हैं, इसे जूम करने पर देखो ये पिक्सल फट रहे हैं। तो अब ये जूम 400% हो गया, तो इतना जूम करने के बाद भी पिक्सल ना फटे उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए अब हम सुपर जूम यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं फिल्टर में, अब फिल्टर में चलने के बाद फिर से न्यूरल फिल्टर करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम सुपर जूम का यूज़ करते हैं, हमने यहाँ पर देखो यहाँ पर किया सुपर जूम, कहाँ गया भाई, ये है देखो ये है सुपर जूम। सुपर जूम को ऑन किया और ऑन करने के बाद यहाँ पर देखो ये 1x है ना, मुझे 4 गुना इसको बड़ा करना है, 4 गुना तक ये पिक्सल ना फटे, तो मैं यहाँ पर 4x कर देता हूँ। देखो यहाँ पर 4x, यहाँ पर मैंने 4x कर दिया। अब देखो ये प्रोसेसिंग होगी और देखो 4x के हिसाब से मतलब ये 4 गुना पिक्सल बढ़ा देगा, इसमें पिक्सल्स बढ़ाएगा तो देखो इसका जूम लेवल भी बढ़ जाएगा। अब देखो ये हो गया, हम इसे ओके करते हैं। ओके अब की बार नई लेयर पर नहीं करना, अब की बार न्यू डॉक्यूमेंट में करना है, न्यू डॉक्यूमेंट ओके करो। ओके करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर, अब देखिए कंट्रोल जीरो यहाँ पर गए। अब देखो मैं जूम कर रहा हूँ इसे, देखो ऐसे जूम कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया देखो 200%, तो देखो यहाँ पर पिक्सल नहीं फट रहे। ऐसे आप कितना भी सुपर जूम कर सकते हैं, ठीक है, कितना भी जूम कर सकते हैं। तो इसमें इसने पिक्सल बढ़ा दिए,
ठीक है, तो ये देखो आपका बन गया, ठीक है जी। तो देखो गाइज, मैंने न्यूरल फिल्टर के सारे ऑप्शन करा दिए आपको, न्यूरल फिल्टर में जितने ऑप्शन थे सब हम कवर कर चुके हैं। तो गाइज ये था न्यूरल फिल्टर, कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।